काँग्रेस पक्षातर्फे रोझा इफ्तार पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार आपल्या सर्व ज्येष्ठ नेत्यांसह या इफ्तार पार्टीमध्ये उपस्थित होते. यावेळी क्रिकेटपटू जहीर खान, समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आसिम आझमी आणि विविध देशातील राजदूत देखील उपस्थित होते. आपल्या भाषणात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी गाझामध्ये सुरू निरअपराधार लोकांच्या हत्येचा निषेध केला. जब एक के ऊपर देश दूसरे लोगों के ऊपर हमला करते हैं, उनकी हत्या करते हैं, बच्चों की हत्या करते हैं, मुनि की हत्या करते हैं, वो हमारे दोस्त है. यह जिनकी पिटाई होती है उनके साथ उनको साथ करने के लिए कोशिश हो जाती है. इसका स्वीकार आज तक हिंदुस्तान की जो नीति है इस नीति के माध्यम से कभी अभी किया नहीं. पुढे त्यांनी असंही सांगितलं की ते आपल्या पक्षातील अल्पसंख्याक नेत्यांना हा मुद्दा संसदेच्या अधिवेशनात मांडण्यास सांगतील. देशाची पॉलिसी वो ठीक करने के लिए हम लोगों ने मांग की कि इसको बहस होना चाहिए. वरे दो तीन दिन बहस की बात मानी नहीं, अभी भैंस की बात कहानी. अब मुझे विश्वास एन सी सी के तरफ से एडवोकेट माजिद मेमन साहब जो हमारी इस बारे में नीति है वो फिर सदन के सामने रखेगी. इफ्तार पार्टीमध्ये उपस्थित सर्वांचंच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आभार मानले. मुझे खुशी है कि आप यहाँ आ गए, हमारी दावत आपने कबूल की. समाज की एकता के लिए जो हम सबकी मिलकर कोशिश है वो मजबूत करने के लिए आपकी तैयारी हमेशा ही रहती है. वो आज यहाँ हाजिर होकर आपका जो दिखाई, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ. ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV बातमीपत्र.